हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काना मैथ कोचिंग। टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक रोमन नंबर्स। आज मैं आपको रोमन नंबर्स करवाऊंगी और इसके रूल्स बताऊंगी कि क्या इसके रूल्स होते हैं। और देखिए, रोमन नंबर्स में फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि हम 1 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, 50 को, 100 को, 500 को और 1000 को। ठीक है, ये मेन आपको पता होने चाहिए और फिर इसके बाद मैं आपको रूल्स करवाती हूँ। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट रूल है, विद एग्जांपल मैं आपको करवाऊँगी। फर्स्ट रूल दिया हुआ है, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल मींस एडिशन। अगर आप किसी भी रोमन नंबर को रिपीट करते हो तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मान लो हमारे पास 12 है। ठीक है, 12 को हम कैसे लिखते हैं, 10+2। ठीक है, 10 को कैसे लिखेंगे, x। अब 2 को 1 और 1। इट मींस हम किसी भी रोमन नंबर को रिपीट कर रहे हैं, इट मींस हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। रूल नंबर 2 है, द सिंबल v l n d आर नॉट रिपीटेड एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड। जो आपका सिंबल है, ये सिंबल दिए हुए हैं आपके वी एल एंड डी आर नॉट रिपीटेड, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। जब भी हमें कुछ राइट करना होगा, जैसे हमें 55 राइट करना है तो हम एल को 50 बोलते हैं, है ना, और वी को 5 बोलते हैं, 55। लेकिन कभी भी जो वी है वो दोबारा रिपीट नहीं होता। 10 लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं 10 में, एक्स बोलते हैं, वी तो नहीं लिखते ना, ये तो रॉन्ग है, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी एल ओ डी को रिपीट नहीं करते, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है, द सिंबल आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड अप टू 3 times। जो आई है वो 3 times रिपीट हो सकता है, एक्स भी 3 times रिपीट हो सकता है, सी भी 3 times रिपीट हो सकता है और एम भी 3 times रिपीट हो सकता है। ठीक है, इनको हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैं 2 बोलती हूँ तो आई और आई हो जाता है, अगर 20 बोलूँ तो x और x हो गया। ठीक है, इन्हें हम 3 times कर सकते हैं। 30 को हम x कितनी बार राइट कर सकते हैं, 3 times। 300 को c कितनी बार राइट करें, 3 times। और 3000 को m कितनी बार राइट करें, 3 times। तो 3 times तक हम इसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट रूल है 4, स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ग्रेटर न्यूमरल इज़ ऑलवेज एडिड टू। अगर आपका स्मॉलर न्यूमरल राइट किया हुआ है ग्रेटर न्यूमरल के राइट साइड में, हमारा ग्रेटर हो गया ये, इसकी राइट साइड कौन सी है, इधर अगर मैं स्मॉलर न्यूमरल राइट कर दूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा ग्रेटर न्यूमरल में। अगर हमारे ग्रेटर न्यूमरल के राइट साइड में स्मॉलर न्यूमरल दिया हुआ है, इट मींस हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 10 हो गया और ये 1 यानी 11 हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखना है, जब भी हमारे ग्रेटर न्यूमरल के राइट साइड में स्मॉलर न्यूमरल दिया होगा तो हम उसे हमेशा ग्रेटर वाले के अंदर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर न्यूमरल। अगर एक स्मॉलर न्यूमरल आपके लेफ्ट साइड में है, कहाँ पे, लेफ्ट में, यहाँ पर है, न्यूमरल इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल, तो ये ग्रेटर न्यूमरल में से क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होगा। इसे 10 बोलते हैं, इसे 1 बोलते हैं, यानी कि 10 में से 1 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रेटर न्यूमरल में से, अगर वो राइट साइड में होगा तो ऐड करेंगे ग्रेटर न्यूमरल में। ठीक है, रूल 6 है, ओनली 1 स्मॉलर न्यूमरल कैन बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ लार्ज न्यूमरल। सिर्फ एक स्मॉलर न्यूमरल ही हम लिख सकते हैं लार्ज न्यूमरल के लेफ्ट साइड में। ये लार्ज न्यूमरल है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ एक बार ही स्मॉलर न्यूमरल आएगा। आई यहाँ पे रख दिया, अब दोबारा यहाँ पे आई हम नहीं लिख सकते, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। स्मॉलर न्यूमरल अगर हम राइट करते हैं लार्ज न्यूमरल के लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड हो गई, इधर अगर हम राइट करेंगे, ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड में लार्ज न्यूमरल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल राइट करते हो तो वो सिर्फ जो न्यूमरल राइट करोगे वो सिर्फ 1 time आएगा, 2 times आप इसे नहीं राइट कर सकते। जैसे हम 12 लिखते हैं तो हम 2 times इसको राइट कर दिया ना हमने 2 को, लेकिन ये ठीक है हमारा, लेकिन ये कौन सी साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप इसे रिपीट नहीं कर सकते स्मॉलर न्यूमरल को। रूल नंबर 7 है, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। आई हमेशा वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट होगा, हमें 4 राइट करना है, मैं क्या लिखती हूँ, आई वी। देखो, वी में से सब्ट्रैक्ट हो गया ना आई, ठीक है, आई वी, तो वी और एक्स में से आई सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी में से आई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और एक्स किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एल और सी में से, ठीक है। जैसे मुझे 90 लिखना है तो मैं क्या करती हूँ, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100 सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट साइड में रख दो,
ऐड कर, और अगर ऐड करना है तो कहाँ पे रख दो, राइट साइड में। अब मुझे क्या करना है, सब्रैक्ट करना है। सब्रैक्ट करना है तो मैं लेफ्ट साइड में रखूँगी। अब ये 100 है, 100 में से 10 सब्रैक्ट करोगे तो 90 आएगा, 10 मैंने सब्रैक्ट कर दिए, ये आ गया 90। ठीक है, तो x हमेशा l और c में से सब्रैक्ट होता है, और c हमेशा यानी 100 हमेशा किस में से सब्रैक्ट होगा, d और m में से, 500 और 1000 में से। मान लो मुझे 400 राइट करना है तो 500 को बोलते हैं d। अब 500 में से 100 कम करने हैं, कम करने होते हैं, सब्रैक्ट करने होते हैं, तो लेफ्ट साइड में राइट करते हैं, तो मैंने सी यहाँ राइट कर दिया। सी डी को क्या बोलते हैं, हमेशा 400। अगर 900 राइट करना है तो सी एम, एम को क्या बोलते हैं, 1000। 1000 में से 100 कम करने हैं तो 100 कम कर दिए, 1000 में से 100 कम करेंगे तो कितना आएगा, 900। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हुए रूल्स। ये रूल्स करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम करवाऊंगी, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए सम किस तरह करने हैं, ठीक है। बट ये रूल अपने जो है आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, इस रूल से ही आपको सम क्लियरली आपको हो पाएंगे, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक मी, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।